Hi there, my name is Nikhil, the IELTS trainer, and I have been teaching IELTS since 2018. Majority of my students have achieved 8+ band in speaking module as well as 7+ band in reading module. Moreover, there are some students who jumped from 6 band to 8 bands within 1 month by implementing my tips and tricks. So guys, without wasting your precious time, let's get started. जो आज की वीडियो है वो बेसिकली है रीडिंग मॉड्यूल पे। बहुत ही स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी, सर प्लीज़ रीडिंग की स्ट्रेटजीज बनाओ, सर हमारा रीडिंग में 6.5 पे स्कोर अटका हुआ है, सर हमारा रीडिंग में 6 पे नहीं जा रहा, 5.5 पे अटका हुआ है। सो सभी चीज़ों को कंसीडर करते हुए मैंने आज रीडिंग की टिप्स पर 9 टिप्स बनाई हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स पे वीडियो बनाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना, एंड ये वीडियो के आई थिंक 2 और 3 पार्ट्स में बनाऊंगा टोटल। वो देखूंगा कि कितने में कवर हो पाया उतने में करूंगा। सो ट्राई करना कि 2 और 3 जितने भी पार्ट्स हैं आप उसको एक एक पार्ट को अच्छे से देखो इन डीपली, क्योंकि क्या है मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या रीडिंग का पर्पस है, रीडिंग कैसे होती है, कितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं उससे लेके एंड तक कि कैसे हमने उसको करना है, कौन सी टाइप वाले को कैसे टैकल करना है, कौन कौन से साइनोनियम्स की नीड है, A to Z में आपको रीडिंग का बताऊंगा। एंड आई एम डैम श्योर कि अगर आप ये वाली चीज़ें अप्लाई कर लेते हो यू विल बी डेफिनेटली अचीव योर डिज़ायर्ड बैंड स्कोर, वट एवर इट इज़, कुछ भी है आपका 8 है 9 है जितना मर्जी स्कोर करो। सो इट्स ऑल अप टू यू, मैं आपको सभी 9 बैंड के अकॉर्डिंग बताऊँगा। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना ऑब्जर्व करते हो और कितना इम्प्लीमेंट करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग में क्या है कि रीडिंग में 40 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे होते हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी कैटेगरी वाइज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आता है कि व्हाट इज़ आइल्स रीडिंग, आइल्स रीडिंग है क्या, उसमें क्या होता है, कैसे करना है एंड कैसे नहीं करना, और आइल्स रीडिंग क्यों सेट की गई है उसका सारा मैं आपको बताता हूँ डीप वे में। व्हाट इज़ आइल्स रीडिंग, अ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आर यूज्ड चूजन फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप। वेराइटी ऑफ द क्वेश्चंस मीन्स टू से डिफरेंट काइंड ऑफ के क्वेश्चंस आइल्स की रीडिंग में चूज किए गए हैं जो हमें पूछे जाते हैं। आइल्स की रीडिंग का सिर्फ एक ही फंडा है कि आपको लगता है कि रीडिंग बहुत टफ है, और मेरे लाइक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रीडिंग को देखा जाए तो रीडिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जो 4 पेजेस के अंदर ही आपके पास आंसर हैं एंड उसके अंदर ही क्वेश्चंस हैं, समझ गए। अगर आप उसको उसी वे से करते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर अचीव हो जाएगा। देखो लिसनिंग में क्या होता है, हमें आंसर सुनने पड़ते हैं, फाइंड आउट करने पड़ते हैं, स्पीकिंग में हमें ऑन द स्पॉट बोलना पड़ता है, राइटिंग में अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है। रीडिंग के मॉड्यूल में क्या है, रीडिंग में हमारे पास ही जो शीट है उसी में आंसर्स हैं एंड उसी में ही क्वेश्चंस हैं। सो वो 4 पेज में अगर हम एबल नहीं हैं अपने आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए, देन इसमें फिर मीन्स टू से कि अपने आप को ही दोषी किया जा सकता है, क्योंकि क्या है कि अगर वो 4 पेज में से आप आंसर नहीं फाइंड आउट कर पा रहे सो ये आपकी मिस्टेक है अकॉर्डिंग टू मी। ओके लेट इट बी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, वेराइटी ऑफ द क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस में क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ के मल्टीपल चॉइस ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं। लाइक आपको एक ऊपर क्वेश्चन आ गया, उसने नीचे 3 ऑप्शंस दे दी, यू हैव टू चूज 1। ओके, समटाइम्स 2 करनी होती है, समटाइम्स 3 भी करनी होती है, 5 out of 3, 7 out of 5, समटाइम्स MCQs टाइप भी आ जाते हैं। सो ये वेरी करता है कि डिफरेंट की कौन सी टाइप आ रही है मल्टीपल चॉइस में। देन आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्या होता है, बेसिकली आपको 3-4 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें शॉर्ट आंसर होते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, रीडिंग में देखना है कि उसके ऊपर डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है एंड क्वेश्चन का हमने कितने वर्ड्स में आंसर लिखना है। कई बार नो मोर देन 2 वर्ड्स होते हैं, नो मोर देन 1 वर्ड, नो मोर देन 3 वर्ड्स, सो इट मे वेरी फ्रॉम रीडिंग टू रीडिंग। ओके, सो क्या है, हमें उसको अच्छे से देखना है कि उसके ऊपर डिमांड क्या है। देन है सेंटेंस कॉम्प्लीशन। सेंटेंस कॉम्प्लीशन में क्या है, आपको हाफ सेंटेंस गिवन होते हैं एंड आपको उसको कंप्लीट करना होता है, उसको कि कौन से ऑथर ने क्या किया है या फिर कौन सा लाइक आर्टिकल किसको रिलेट कर रहा है, मीन्स टू से यू हैव टू मैच द आंसर, काइंड ऑफ मैचिंग। ओके, नेक्स्ट पार्ट है नोट्स समरी। नोट्स में क्या है, कोई नोट्स बने होते हैं, समरी दी होती है, डायाग्राम दे रखी है, कोई फ्लो चार्ट हो सकता है, टेबल कॉम्प्लीशन हो सकती है, डिफरेंट काइंड ऑफ की थिंग्स हो सकती हैं जिसमें से हमें उसको रीडिंग को चूज़ करना है कि कौन सी उसकी डिमांड है और उसको उसके डिमांड के अकॉर्डिंग हमने उसका अप्रोप्रिएट आंसर लगाना है।
नेक्स्ट है, पैराग्राफ्स में भी हो सकती हैं, सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट भी हो सकता है, और ये भी आ सकते हैं क्वेश्चन की टाइप लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइटर, लाइक ये किसका व्यूज़ है, किसने क्लेम्स किया है, येस नो नॉट गिवन में भी आ सकता है कि ये वाली चीज़ ये पर्टिकुलर ऑथर ने की है या नहीं, येस नो नॉट गिवन ऊपर बहुत ही सारे स्टूडेंट्स की जो मेजर मिस्टेक रहती है, ऊपर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन होते हैं, नीचे येस नो नॉट गिवन लिख देते हैं, ऊपर डिमांड होती है येस नो नॉट गिवन, नीचे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन लिख देते हैं। सो आपको ये वाली चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एंड डीपली ध्यान रखना है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना होए। देन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, उसकी आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन लाइक सेम, येस नो नॉट गिवन और ट्रू फॉल्स, ओके कुछ भी हो सकता है। क्लासिफिकेशंस पे आ सकता है, मैचिंग लिस्ट आ जाता है। मैचिंग लिस्ट क्या रहता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा टफ लगती हैं कि सर हेडिंग्स आ गई, सर मैचिंग्स आ गई, बहुत ही टफ थी रीडिंग, मॉडरेट लेवल था। कुछ भी नहीं होता, जस्ट रीडिंग को इंजॉय करके करो कि रीडिंग को करना कैसे है। अगर आप उसको एक कुछ समझने के वे से करोगे, इंजॉय वाले मेथड से करोगे, यू विल बी डेफिनेटली अचीव योर डिजायर्ड पॉइंट्स को। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो था कि रीडिंग है क्या और उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस एंड किस किस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। अभी मैं थोड़ा सा इसको और डीपली बताऊंगा कि क्वेश्चंस की टाइप कैसी होती हैं, ओके। बट वन मोर थिंग क्या है कि इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही कवर हो पाएगा कि टाइप्स कैसी होती हैं और एक आधी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा। बट जो मेरे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग्स आएंगे उसमें क्या है, मैं आपको बताऊँगा कि MCQs को कैसे करना है एंड हेडिंग्स को कैसे करना है, मैचिंग को कैसे करना है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ की। सो इसके 2 or 3 पार्ट्स मैक्सिमम ट्राई करूँगा, जितने बने मैं बना के आपको रिप्रेजेंट कर दूँगा, सो दैट यू विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टिप्स एंड ट्रिक्स एज वेल एज स्ट्रेटजीज। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, क्या टाइप्स ऑफ, डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन होते हैं रीडिंग में। देयर आर 10 डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस आ गई, आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है उसमें से आपको चूज़ करना है, या फिर आपको कोई एक क्वेश्चन दे रखा है, 7 चॉइसेस है उसमें से 5 को फाइंड आउट करना है, कुछ भी हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ की मल्टीप्लीकेशन ऑफ चॉइसेस की ऑप्शन हो सकती है। देन है शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन का रिप्लाई करना है लाइक 2 words में, 3 words में, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ की, ठीक है। उसके बाद है सेंटेंस कॉम्प्लीशन, सेंटेंस कॉम्प्लीशन हो सकता है, हाफ सेंटेंस गिवन है, हाफ उसका लगा के हमें लाइक फिलअप्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ की थिंग्स हो सकती हैं। नोट्स, टेबल, फॉर्म, समरी, फ्लो चार्ट, ये एकेडमिक रीडिंग में बात कर रहा हूँ मैं, कि कोई नोट्स बने आ सकते हैं, कोई टेबल चार्ट बना आ गया उसको करो। टेबल, फ्लो एंड फॉर्म, समरी, ये जो चीज़ें होती हैं ना, इसकी बहुत ही बेनिफिट्स ये हैं, सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसका ये है कि इसके आंसर ना जो होते हैं स्टेप बाय स्टेप पड़े होते हैं, कि 1 का मिल गया मीन्स उसे 2 का आगे है, 2 मिल गया मीन्स नेक्स्ट आगे है। सो दीज काइंड ऑफ द थिंग्स आर लाइक बहुत ही ज़्यादा पीस ऑफ केक हैं, वी कैन से दैट कि इट्स रियली पीस ऑफ केक, कप ऑफ टी, ओके। देन येस नो नॉट गिवन, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलतियाँ कर देते हैं, ऊपर येस नो नॉट गिवन होता है, नीचे ट्रू फॉल्स लगा देते हैं, नीचे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन लगाना होता है, ऊपर येस नो की ऑप्शन होती है, सो उसका ध्यान रखना है। क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस, क्लासिफाइड करना होता है क्वेश्चंस को कि कैसे क्लासिफाइड है, कैसे करना है उसको। मैचिंग हो सकते हैं, मैचिंग करो स्टेटमेंट को कि ये वाली मैचिंग किस, ये वाली स्टेटमेंट किसने बोली, कैसे करनी थी एंड ऑल। उसके बाद है चूजिंग हेडिंग, हेडिंग्स का हो सकता है, कोई 4-5 हेडिंग्स दे रखी हैं, डोंट वरी मैं आपको बताऊंगा कि इनकी स्ट्रेटजीज क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूं कि जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि आयल्स की रीडिंग में क्या क्या आ सकता है और क्या क्या होता है। देन आई विल कवर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ द टिप्स एंड ट्रिक्स लाइक एज पर द डिमांड ऑफ मॉड्यूल, सॉरी डिमांड ऑफ द टास्क, जो भी उसमें दिया होएगा टास्क कि ये वाला करना है, नॉट गिवन वाला है, मैचिंग्स हैं या जो भी है, ओके। उसके बाद है स्कैनिंग, आइडेंटिफिकेशन, लोकेशन और इन्फॉर्मेशन, कुछ भी स्कैनिंग करना है कि आपको बोल सकते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए बोल सकते हैं, लोकेशन ढूंढो एंड इन्फॉर्मेशन। लेबलिंग अ डायग्राम विच हैज़ नंबर ऑफ पार्ट्स, कोई एक डायग्राम है नंबर ऑफ पार्ट्स में उसको लेबल करना है, सो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ की थिंग्स हो जाती हैं। सो अभी मैं आपको नेक्स्ट में बताऊँगा कि क्या उसकी स्ट्रेटजीज हैं और कैसे उसको करना है। नेक्स्ट है कि आयल्स की स्ट्रेटजीज को कैसे करना है, रीडिंग स्ट्रेटजीज, ओके। गेसिंग अननोन वर्ड्स,
अननोन वर्ड्स को पहले तो गेस करना है. देयर विल बी वोकेबलरी यू हैव नेवर सीन बिफोर इन द आइल्स. इसमें ऐसी वाली वोकेबलरी होती है जो आपने पहले कभी देखी नहीं होती, लाइक हाई रेंज ऑफ वोकेबलरी यूज़ की होती है. बट हमने इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द वोकेबलरी वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट योर आंसर. ओके, हमें ट्राई करना चाहिए कि आंसर को कैसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ की टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के फाइंड आउट करना है. एकेडमिक रीडिंग में डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ के वोकेबलरी वर्ड्स होते हैं. द टेस्ट राइटर्स डेलिब्रेटली प्लेस अनकॉमन वर्ड्स इन द पैसेज टू टेस्ट इफ कैंडिडेट्स कैन फिगर देम आउट यूजिंग कॉन्टेक्चुअल क्लूज. दीज कॉन्टेक्चुअल क्लूज कैन इंक्लूड अ डेफिनेशन, पैराफ्रेज एल्सवेयर इन द टेक्स्ट, कोलोकेटिंग वर्ड्स और वर्ड पार्ट लाइक प्रीफिक्स और सफिक्स. क्या है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ की थिंग्स हैं जो टेस्ट को सेट किया जाता है और उसमें क्लूज भी होते हैं उसके कि कैसे कौन से क्लूज को किस तरीके से उसको फाइंड आउट करना है और कैसे उन्होंने रीफ्रेजिंग करके क्वेश्चन को दिया होता है कि लाइक वहाँ पे कुछ और फॉर्म में आंसर लिखे. और सेकंड टाइम क्या है, जब हम देखते हैं लाइक हमें लोकेशन मिल जाती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ के साइनोनियम्स यूज़ किए होते हैं कि कैसे कैसे उसको फाइंड आउट करना है. ओके, हाई स्कोरिंग आइल्स कैंडिडेट हैव मोर देन जस्ट अ वेल स्टॉक्ड वोकेबलरी. ठीक है, वेल स्टॉक्ड वोकेबलरी हो, अगर हमें वोकेबलरी का पता हो, डेली का एक आधा वर्ड लाइक मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे कैसे वोकेबलरी के वर्ड्स हैं. सो आप डेली का भी एक अगर प्रिपेयर करो, यू विल बी हैबिचुअल इन ऑर्डर टू यूज़ और इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड्स. ओके, नेक्स्ट है दे ऑल्सो हैव रीडिंग स्किल्स रिक्वायर्ड टू एनालाइज एन अननोन वर्ड एंड गेस इंटेलिजेंसी एट इट्स मोस्ट लाइकली मीनिंग. कि क्या है, इंटेलिजेंसी आपकी काउंट होती है उसमें कि आपकी कितनी को पकड़ है रीडिंग में, कितने को एफिशिएंट वे से आप उसको कर रहे हो, लाइक वेदर यू आर अनेबल टू हैंडल द रीडिंग और नॉट. कि आप उसको एबल करने के लिए हैंडल करने के लिए एबल हो या नहीं हो. ओके, सो ये थी रीडिंग की स्ट्रेटजीज़ कि कैसे रीडिंग होती है. अभी मैं आपको बताऊँगा कि रीडिंग में जो टाइम मैनेजमेंट है उसको हमने कैसे करना है और कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं एंड हाउ टू गेट द 7-8 बैंड इन आइल्स रीडिंग मॉड्यूल एज वेल एज रेस्ट ऑफ द मॉड्यूल्स. नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट में क्या है, बाय आंसरिंग 30 out of 40 क्वेश्चंस करेक्टली यू कैन अचीव अ स्कोर ऑफ 7. एकेडमिक वंस की बात चल रही है. इन द आइल्स एकेडमिक रीडिंग मॉड्यूल क्या है कि रीडिंग मॉड्यूल में अगर आप 30 स्कोर सही कर लेते हो, लाइक हमारे पास 10 गलत की भी ऑप्शन पड़ी है, अगर आप सिर्फ 30 क्वेश्चंस को सही करते हो यू विल गेट 7 बैंड इन राइटिंग इन रीडिंग मॉड्यूल. ओके, एकेडमिक रीडिंग विच इज़ कंसीडर अ गुड इनफ टू एंटर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड. जो 7 बैंड स्कोर है इट्स लाइक नॉट अ पीस ऑफ केक. मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, चाहे आपने कैनेडा में जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, कहीं भी जाना है, मोस्ट ऑफ द रिनाउंड जो है यूनिवर्सिटीज़ वो उसको एक्सेप्ट करती हैं 7 बैंड स्कोर को, और एक बहुत ही अच्छा स्कोर माना गया है 7 बैंड स्कोर को. द लेसन हेयर इज़, एक लेसन है, डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन 10 मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस. देखो गाइस, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी स्ट्रेंथ कहाँ पे है और हम लैक कहाँ पे कर रहे हैं. मोस्ट जो 10 वर्ड्स हैं उस पे हमने ध्यान देना है कि जो 10 टाइप ऑफ की लाइक क्वेश्चंस हैं उसको कैसे फाइंड आउट करना है. जो हमें मुश्किल लगता है हमने देखना है कि हम लाइक एबल हैं वो वाली चीज़ों को करने के लिए या फिर नहीं है. और जो भी हमें मुश्किल लगते हैं उसको एक बार ही छोड़ दो. लाइक आपको लगता है कि हेडिंग्स टफ हैं, आपको लगता है मैचिंग टफ है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन टफ हैं, सो वो वाला पार्ट एक बार ही छोड़ के हम दूसरा पार्ट कर सकते हैं सो दैट कि हमारा टाइम वेस्ट ना होए. ओके, देन है इट्स मोर इम्पोर्टेंट देन यूर अलाउ यूर सेल्फ टाइम टू आंसर 30 ईजीएस्ट क्वेश्चन एंड गिव द रिमेनिंग 10 योर बेस्ट गेस. जो रिमेनिंग 10 हैं आप उसमें अपना बेस्ट गेस भी दे सकते हो कि कैसे करना है. स्कीम एंड स्कैन ऑप्शन लगा के आप लास्ट पे उसको कर सकते हो इंस्टेड ऑफ पज़ल होने की. पज़ल होने की बजाय आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ की थिंग्स यूज़ कर सकते हो. एज अ जनरल रूल इफ़ यू आर स्टिल अनश्योर ऑफ एन आंसर आफ्टर 1 मिनट पेंसिल इन योर बेस्ट गेस. क्या है कि आप अनश्योर हो तो अपना बेस्ट गेस लगाओ, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो, एक क्वेश्चन के ऊपर टिके रहोगे उस पर अपना टाइम वेस्ट कर लोगे,
instead of wasting your time on one particular question, you should move to the next question. Okay, and come back it to later if there's time. अगर time होगा तो back में आ जाना, otherwise अपना guess लगाओ. सबसे पहले वो करो जिसमें आपको लगता है कि इसमें तो मैं बहुत ही ज़्यादा लाइक एक्सपर्ट हूँ, ये वाली कैटेगरी तो मेरे को बहुत ही ईजिली मिल जाती है. सो गाइज, ये था कि कैसे कैसे हमने टाइम मैनेजमेंट करना है आइल्स की रीडिंग में. एंड गाइज, आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विद यू कि कौन कौन से टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें, अभी मैं वो बताता हूँ. सो अब मैं आपको बताऊँगा कि एकेडमिक रीडिंग में कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं स्टेप बाय स्टेप. इसमें है द फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस विल प्रोबेबली रेफर टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट. जो फर्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन होता है वो हमेशा फर्स्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग के साथ प्रोबेबली कनेक्टेड होता है, तो उसके आंसर उसी में से मिल जाते हैं. देन सेकेंड नंबर पे है डू नॉट यूज़ योर ऑन ओपिनियन. अपने ओपिनियन को कभी भी मत यूज़ करो कि लाइक अगर आपको लगता है वो है, क्योंकि कई बार समटाइम्स उसमें नो डाउट अपनी लाइक इमेजिनेशंस ऑन रखो, बट जब तक आपको उसका फाइनलाइज नहीं आंसर मिल जाता तो तब तक आप अपनी इमेजिनेशन मत लगाओ. यूज़ कीवर्ड्स टू लोकेट इन्फॉर्मेशन. कीवर्ड्स को यूज़ करो इन्फॉर्मेशन को लोकेट करने के लिए, कैसे कैसे करनी है. ओके, राइट क्वेश्चन नंबर्स को राइट करो कि कितने आपने कर लिए और कितने रेस्ट ऑफ द रहेगी. इफ़ वन सेट ऑफ क्वेश्चन कवर जस्ट वन पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, द नेक्स्ट सेट ऑफ वन फॉलो द नेक्स्ट. क्या है कि अगर एक पार्ट नेक्स्ट वन को कर रहा है तो ऑब्वियस है ना कि सेकेंड वाला सेकेंड को करेगा. एक पार्ट में ही अभी सारे आंसर तो हो नहीं सकते. प्लीज़ चेक योर स्पेलिंग. अपने स्पेलिंग्स को हमेशा चेक करो, क्योंकि स्पेलिंग्स अगर आपके सही नहीं हैं, लाइक रीडिंग मॉड्यूल तो ऐसा मॉड्यूल है कि स्पेलिंग की आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं होती, क्योंकि उसमें गिवन होते हैं और देख के लिखने होते हैं, बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत कर जाते हैं. सो स्पेलिंग को हमेशा चेक करो. द समरी फोकसेस ऑन द मेन आइडियाज़. जब क्या है, जो समरी है वो फोकस करती है मेन आइडियाज़ पे, क्योंकि मेन आइडियाज़ कौन कौन से हैं. चेक इफ़ ऑल इन्फॉर्मेशन ट्रू. हमेशा चेक करो कि अगर ऑल इन्फॉर्मेशन ट्रू है तो आप उसको कैसे कर रहे हो. अगर इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है वो गिवन में है, नॉट गिवन में है. सो डिफरेंट काइंड ऑफ की स्ट्रेटजीज यू हैव टू यूज़ इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव 7 or more band इन रीडिंग मॉड्यूल, बिकॉज रीडिंग इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक. बट ऑन द अदर साइड इफ़ वी से लाइक हम देखें कि रीडिंग करनी कैसे है, अगर आपको एक बार टिप्स एंड ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजी आ गई, देन इट्स रियली अ पीस ऑफ केक फॉर यू. इट्स रियली अ रोजी पाथ टू यू रेदर देन एनी अदर मॉड्यूल्स. नाउ गाइज, आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विद यू. मेरा अन अकेडमी की एप्लीकेशन पर एक न्यू कोर्स आ रहा है जो है डिटेल कोर्स ऑन स्पीकिंग मॉड्यूल है. एंड द स्टार्टिंग डेट ऑफ दैट कोर्स इज़ 27th of May, जो आज है 27th of May, 7 PM to 8:30 PM. इसमें मैं आपको डिफरेंट काइंड ऑफ की स्ट्रेटजीज बताऊंगा कि लाइक हाउ एग्जामिनर इवेल्यूएट योर स्पीकिंग, हाउ टू टैकल ईच एंड एवरी काइंड ऑफ द ऑब्स्टेकल इन द मॉड्यूल ऑफ स्पीकिंग, कि कैसे एक एक मॉड्यूल में स्पीकिंग में कौन कौन से पार्ट को कैसे कैसे हमने टैकल करना है. डिफरेंट काइंड ऑफ द थिंग्स मैं आपको बताऊँगा. सो नेक्स्ट है कि इफ़ यू वॉन्ट टू एनरोल इन दैट पर्टिकुलर कोर्स, तो आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिकम अ प्लस सब्सक्राइबर, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ प्लस सब्सक्राइबर देन यू शुड यूज़ माई रेफरल कोड, दैट इज़ NIKHILCHUCHRA, एंड यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी. गाइज, इट्स रियली ऑसम. 10% आपको इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाता है. डिफरेंट काइंड ऑफ की लाइक फी स्ट्रक्चर्स हैं. यू कैन लाइक एटलीस्ट अगर मेरी अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको एटलीस्ट 3 month वाली सब्सक्रिप्शन लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है, एक तो आपका बेनिफिट्स बहुत हो जाता है, एंड क्या है सेकंड थिंग कि वहाँ पे बहुत ही इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो हैं वो आपको पढ़ाते हैं. लाइक आई एम वन ऑफ देम. ओके, इंडिया के बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, एंड ऑल द सेशंस आर रिकॉर्डेड सेशंस हैं. आप उसको कब भी अपने फ्री टाइम में देख सकते हो. सो गाइज, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज़ द एजेंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स. इस कोर्स में मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ. फर्स्ट डे मैं आपको करवाऊँगा 27th of May स्ट्रेटजीज ऑफ स्पीकिंग.
स्पीकिंग की एक एक स्ट्रेटजीज आपको बताऊंगा कि कैसे हमने स्पीकिंग को हैंडल करना है, कैसे हम उसमें स्मार्ट वर्क करके अपने बैंड्स ले सकते हैं, लाइक लेक्सिकल रिसोर्सेज को कैसे ऐड करना है, कोहेजन एंड कोहेरेंस को कैसे मेंटेन करने रखना है, प्रोनंसिएशन को कैसे फोकस करना है, एज वेल एज़ ग्रामेटिकल एरर्स को कैसे हमने कंट्रोल में लाना है। डे सेकेंड डिटेल डिस्कशन ऑन क्यू कार्ड्स। डिटेल्ड में डिस्कशन होएगी क्यू कार्ड्स के ऊपर कि किस किस टाइप के क्यू कार्ड्स आ जाते हैं, कैसे हर एक टाइप को हैंडल करना है, कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप क्यू कार्ड पे लगा सकते हो, जो एक मिनट आपको प्रेपरेशन का मिलता है उसको हमने कैसे करना है, मीन्स टू से ऑल अबाउट द क्यू कार्ड कि कैसे क्यू कार्ड सेट होता है, कैसे उसकी इंट्रोडक्टरी पार्ट बनाना है, कैसे उसको स्पीकिंग में लाना है, कैसे फ्लुएंसी में बोलना है, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है 7+ बैंड स्कोर के लिए। आई विल शेयर ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल्ड, बट इफ़ यू वॉन्ट टू लाइक get the knowledge from that particular course, then you have to use my referral code, that is NIKHILCHUCHRA, and you will get 10% instant discount. So next day third मैं आपको करवाऊँगा variety of the structure. Guys, आप check कर सकते हो कि जब भी IDP and British Council की जो main description है उसमें भी लिखा हुआ है like unless and until you use the variety of the structure, you would not be able to achieve 7 or more bands in speaking module as well as writing module. Like जब तक आप variety of the structures नहीं लगाते, वेराइटी ऑफ द स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, कैसे उनको बनाया जाता है, कैसे उनको फ्लुएंसी में लेके आना है, ये सारा मैं आपको इस कोर्स में बताऊंगा कि कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर्स हैं जो नेटिव स्पीकर्स यूज़ करते हैं, जो 9 बैंड अचीवर्स हैं, कैसे उन्होंने कौन कौन से स्ट्रक्चर्स यूज़ करके अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव किया। नेक्स्ट है डे फोर्थ में मैं आपको बताऊंगा डाउट क्लियरिंग सेशन कि डाउट क्लियरिंग सेशन में क्या होता है कि जो भी पिछला वर्क रहा स्पीकिंग के रिलेटेड या कुछ भी, तो मैं वो सारा ईच एंड एवरीथिंग डे फोर्थ आपके साथ डिस्कस करूंगा। कोई भी आपका डाउट होएगा यू कैन आस्क मी ऑन द स्पॉट एंड आई विल नोटिफाइड यू ऑन द स्पॉट। मैं आपको नोटिफाइड करूँगा कि कैसे उसको करना है, यू विल बी नोटिफाइड ईच एंड एवरीथिंग ओके कि कैसे उसको करना है, कैसे नहीं करना, एंड आपको नोट्स एंड ऑल सब कुछ दिया जाएगा। पता है कि किस किस ने सब्सक्रिप्शन लेनी है, मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड होते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, और अन अकेडमी देखो आपको ऑफ़र दे रही है, दैट इज़ द फी स्ट्रक्चर ऑफ IELTS सब्सक्रिप्शन। अगर आप 1 मंथ की लेते हो तो वैसे आपको 2700 ओके 2700 रुपये देने पड़ते हैं, बट अगर आप मेरा कोड लगा देते हो यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। देखो आपको 10% मिल जाएगा एंड यू हैव टू पे ओनली 2430। बट मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप 3 मंथ्स वाला लो, क्योंकि 3 मंथ्स में देखो अगर आपको जो 10% तो मिलना ही मिलना है, 17% आपको और ऑफ मिल रहा है जो आपको 1 मंथ की लाइक 2025 अप्रॉक्सीमेटली पड़ जाएगी, और 3 मंथ्स की आपको 6075 रुपीज़ देने पड़ेंगे जिससे आपको 3 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। अदरवाइज़ इट्स ऑल अप टू यू, अगर 6 मंथ की लेनी है तो और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा लाइक 33%, और 12 मंथ की लेनी है तो आपको पर मंथ 1013 की पड़ेगी। एंड गाइस, अगर आपने ये वाली लाइक चीज़ों का बेनिफिट लेना है देन यू हैव टू बिकम अ प्लस सब्सक्राइबर, एंड इफ़ यू वांट टू बिकम अ प्लस सब्सक्राइबर देन यूज़ माय रेफरल कोड। जैसे नीचे देख लो रेफरल कोड में लिखा हुआ है मेरा नेम NIKHILCHUCHRA, एंड यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी। गाइज दैट इज़ रियली ऑसम, माइंड ब्लोइंग है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, चारों मॉड्यूल करवाए जाएंगे नॉट ओनली स्पीकिंग, और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं ओके सो इट्स ऑल अप टू यू कि आपने कौन सा वाला लेना है। एंड गाइस दैट इज़ माय टेलीग्राम चैनल IELTS विद निखिल IELTSWITHNIKHIL, एंड यू विल लाइक इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेरी यू कैन पिंग मी ऑन दैट पर्टिकुलर चैनल, आइदर इट्स रिलेटेड टू द IELTS सब्सक्रिप्शन और IELTS मॉड्यूल और वट एवर इट इज़ ओके रिलेटेड टू योर स्टडी, यू कैन पिंग मी ऑन दैट पर्टिकुलर चैनल एंड आई विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग ओके गाइज। एंड वंस अगेन आई रिपीट माई सेल्फ, दैट इज़ माई रेफरल कोड NIKHILCHUCHRA, एंड यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट इफ़ यू यूज़ दैट पर्टिकुलर कोड। सो गाइज आई होप
यू ऑल लाइक जितने भी वीडियोस देख रहे हो मेरी सब्सक्रिप्शन ज़रूर लोगे, जिसे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। सो गाइज, लास्ट बट नॉट लीस्ट आइल्स की कुछ टिप्स बताता हूँ, बाकी मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में सारा कंप्लीट करूँगा कि कौन कौन से पार्ट को कैसे कैसे टैकल करना है। आइल्स रीडिंग टिप्स, इसमें क्या है कि आपको रीडिंग में अगर अपना स्कोर बढ़ाना है, मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगी। रीडिंग न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर को डेली रीड करो। मैं ये नहीं बोलता कि आप न्यूज़पेपर को लाइक ओनली सारी न्यूज़ रीड करो, कोई भी एक पर्टिकुलर उठा लो जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अच्छी है उसको रीड करो, क्योंकि उससे क्या है आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ की वोकेबलरी स्ट्रक्चर्स एंड आपको पता चलता है कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ की सिचुएशन को डिफरेंट डिफरेंट मैनर में हैंडल किया जा सकता है। ओके, मैगजीन्स भी आप पढ़ सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। मटेरियल भी आता है रीडिंग का काफ़ी कुछ भी रीडिंग स्किल्स बढ़ाने के लिए। एंड हेयर आर सम पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल टेकिंग रीडिंग टेस्ट। जब भी आप कोई रीडिंग टेस्ट देने जाओगे तो उसके लिए आपको पहले ये वाली चीज़ों को अपने माइंड में बिठा के जाना है कि वो कौन सी चीज़ें हैं। फर्स्ट, व्हेन यू लुक समथिंग स्पेशल रीड इन डिटेल। जब भी आप कुछ समथिंग स्पेशल लाइक किसी का नेम है, कोई उसका ईयर है या कुछ भी है वो आपको देखने को मिलता है, तो आप उसको मार्क करो, अंडरलाइन करो, क्योंकि इन दिस वे यू विल बी ईजिली फाइंड आउट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बिफोर रीडिंग द फुल पैसेज सी व्हाट द टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जिस्ट एंड लुक फॉर इट। देखना है कि कौन से, फुल पैसेज को रीड करने से पहले देखना है कि कौन कौन से टाइप्स हैं, हमने क्या क्या चीज़ फाइंड आउट करनी, कि लाइक वो क्या है। एक तरह का आपका स्केड्यूल रेडी हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि मैंने कौन से वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है और कैसे उसको एप्रोप्रिएट वे में लेके आना है। रीड फास्टली बिकॉज अ स्लो रीडर ऑलवेज लूजेज टाइम व्हेन द टेक्स्ट इज लॉन्ग। हमेशा फास्ट रीड करने की ट्राई करो, फास्ट इन द सेंस कि आपने स्किम एंड स्कैन लगाना है। स्किम एंड स्कैन कैसे लगाना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ओके, स्कैनिंग करनी है, रीड फास्टली करना है इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग डीपली। ठीक है, अंडरस्टैंड डीपली करने के बजाय यू शुड फोकस ऑन द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। आपको फोकस करना चाहिए डिमांड पे कि उसकी क्या डिमांड है। ओके, नेक्स्ट है, रिमेंबर योर एम इज़ टू फाइंड द आंसर नॉट टू स्टडी द पैसेज। अपना एम को फाइंड आउट करना आपको पता होना चाहिए कि आपका एम क्या है, ना कि ये कि आपने पैसेज को कैसे करना है। सो इन दिस वे क्या है, आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट नहीं होएगा डिफरेंट डिफरेंट साइड्स, आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमने उस मॉड्यूल को टैकल करना है और कौन सी टाइप हमने ढूंढनी है। सिर्फ सीधा उसी पे फोकस करो इंस्टेड ऑफ लुकिंग हेयर एंड देयर, इधर उधर देखने की बजाय अपनी टाइप ऑफ क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करो। स्किप अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स लाइक प्रेपोजिशंस एंड इग्नोर डिफ़िकल्ट वर्ड्स। जो बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड लग रहे हैं अगर उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करोगे तो हमेशा परेशानी होगी। दीज काइंड ऑफ दी वर्ड्स को आप स्किप करो और जो प्रेपोजिशंस दे रखी हैं उनको भी स्किप करो। जस्ट देखो कि पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है या फिर फ्यूचर की हो रही है, एज़ पर योर लाइक डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट है, स्कैन द वर्ड्स लाइक व्हेन यू लुक फॉर अ प्राइस इज एन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, आपने वर्ड को ऐसी तरह देखना है कि जैसे आप प्राइस इन एन एडवर्टीजमेंट, जैसे हम कोई भी एडवर्टीजमेंट देखते हैं हम एक्साइटेड हो जाते हैं ना कि इसका प्राइस क्या है पता चले हमें, तो उसी वे से क्यूरियोसिटी लाइक अपने आप में लाके और उसको देखना है कि क्या है, इसकी डिमांड क्या है और मैंने इसको कैसे कंप्लीट करना है। गेट एन ओवरव्यू ऑफ द टेक्स्ट बाय रीडिंग टाइटल्स सब टाइटल्स बिगिनिंग एंड द रीडिंग एंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। क्या है कि आपने अपनी इमेजिनेशन ऑन रखनी है, आपको ओवरव्यू पता चल जाना चाहिए सबटाइटल्स पढ़ के, टाइटल्स पढ़ के एंड एंडिंग ऑफ द टेक्स्ट कि क्या बारे में बात हो रही है, किस बारे में रीडिंग है और किस बारे में नहीं है। सो गाइज, ये थी सारी आइल्स की रीडिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स कि कैसे रीडिंग इवेल्युएट की जाती है, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे हमने उसको टैकल करना है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वाली पर्टिकुलर टाइप को कैसे कैसे वाली स्ट्रेटजीज लगा के हैंडल करना है। ओके गाइस, एंड दैट इज़ माय प्रोफाइल NIKHILCHUCHRA। यू कैन सर्च मी ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी एंड यू कैन फॉलो मी ऑन दैट प्लेटफॉर्म। मेरी काफ़ी स्पेशल क्लासेज जो फ्री ऑफ द कॉस्ट हैं वो भी होती हैं एंड कई प्लस कोर्सेज भी होते हैं विच विल बी नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर द जनरल वंस बट ऑल्सो फॉर द अकेडमिक वंस। सो गाइज, यू शुड नेवर मिस द बोट इन ऑर्डर टू बिकम अ प्लस लर्नर एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ प्लस लर्नर देन यू हैव टू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ आइल्स
And if you want to take the subscription of IELTS, then please use my referral code. That is NIKHILCHUCHRA. And you will get 10% instant discount from the platform of Unacademy. Okay guys, thank you so much for watching. And next video, main jaldi hi upload karunga.